जानकारी सामने आ रही, यूपीएसटीएफ को मिली सफलता, पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, बागपत के कपिल तोमर को किया गिरफ्तार। तो बागपत के कपिल तोमर को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने, और पेपर लीक मामले में संबंधित चीजें भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, यूपीएसटीएफ को सफलता मिली है और पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी जो है एसटीएफ की ओर से की गई है। बागपत के कपिल तोमर को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है मामले में, पेपर लीक मामले में जो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही बता दो कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एडीजी अमिताभ यश की तरफ से अभियान चलाया गया और एसटीएफ को कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी शासन की तरफ से है। और इसी क्रम में यूपी एसटीएफ ने बागपत के रहने वाले कपिल तोमर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर आरोप है कि वह 16 तारीख की पुलिस भर्ती परीक्षा में रिया चौधरी नाम की एक अभ्यर्थी को ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करा रहा था। और इसी दिन 4 और भी आरोपी पकड़े गए थे गाजियाबाद से ही, और इस मामले में तफ्तीश चल रही थी। कपिल तोमर को ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल के साथ साथ पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के कुछ दस्तावेज भी बरामद हुई हैं। और एसटीएफ का यह भी दावा है कि कपिल तोमर जो है बागपत का रहने वाला है और वह कक्षा 8वीं पास है, और उसने अपने एक रिश्तेदार के जरिए जिसके ऊपर जो है पेपर लीक कराने के और भी मामले, धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, उसके साथ जो है इस गिरोह में शामिल हुआ था। और कपिल तोमर पर इसके पहले भी धोखाधड़ी और गंभीर अपराधों का मामला जो है बागपत में भी दर्ज है। तो इस मामले में यूपीएसटीएफ को एक निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस भर्ती मामले ने तूल पकड़ा था और इसमें सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी, और मामले का भंडाफोड़ करने के लिए योगी सरकार ने यूपी पुलिस और एसटीएफ को इस काम में लगाया था वर्कआउट के लिए, और कपिल तोमर को गिरफ्तार किया गया। जी जी जी, और बात करें तो सरकार इस पर काफी सक्रिय थी, और जब से मामला बढ़ा लगातार जो है आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसने की खबर सामने आई है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात कही थी, और अब जो है आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या उससे पूछताछ हुई है, क्या कोई जानकारी निकल के सामने आई है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि कपिल तोमर को अरेस्ट किया गया, उसके पास पेपर लीक के कागजात मिले हैं और साथ ही साथ उसके पास ब्लूटूथ डिवाइस भी मिले हैं, और एसटीएफ को यह भी जानकारी मिली है कि वह रिया चौधरी नाम की एक अभ्यर्थी को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल भी करा रहा था। हालांकि इस मामले में अब सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार जो है यूपीएसटीएफ सक्रिय है, और सूत्रों का यह भी कहना है कि अब भी जो है सालभर गैंग से रिलेटेड जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यूपीएसटीएफ ने कानपुर, जौनपुर समेत यूपी के अलग अलग शहरों में अपना जाल बिछा दिया है, और जो पेपर लीक से संबंधित गैंग है उसकी लगातार गिरफ्तारी भी कर रही है, और कपिल तोमर की गिरफ्तारी जो है इसी का हिस्सा है। और सूत्रों का यह भी कहना है कि यूपीएसटीएफ ने कपिल तोमर से कई राज उगलवाए हैं, कई और साथियों के नाम जो है कपिल तोमर ने उगले हैं, और माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही एसटीएफ और भी लोगों को गिरफ्तार करेगी। जी जी जी, बड़े हैरत की बात है, 8वीं पास व्यक्ति जो है इस तरह से पेपर लीक के मामले में इतना संलिप्त था, लेकिन इसमें जो है अधिकारियों के भी शामिल होने की खबर आ रही थी, और उस पर भी कार्रवाई करने की जो बात है वो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कही गई। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में जो है काफी जाल बिछाया है एसटीएफ ने, और इस मामले में जहां से पेपर लीक हुआ है प्रिंटिंग प्रेस जिस प्रिंटिंग प्रेस पर पेपर की छपाई हुई थी, और साथ ही साथ जिसकी देखरेख में भी यह पेपर जो है छपाई का काम हुआ था, उससे भी अब पूछताछ यूपी एसटीएफ कर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा खेल जो है यूपी में तहलका मचा देने वाला पहली बार आया हुआ था, और खासकर पुलिस भर्ती परीक्षा थी, और इस पर तो जो है यूपी पुलिस और एसटीएफ पूरी तरह से नजरें भी गड़ाई हुई थी, और परीक्षा के पहले भी कुछ सालभर गैंग के लोग गिरफ्तार किए गए थे। बावजूद इसके
पेपर लीक हो जाना एक अहम सवाल है सरकार के लिए भी, और इस जिससे जो है अब यूपी सरकार ने सबक भी लिया है और यूपी एसटीएफ लगातार जो है जाल बिछाकर ऐसे सालभर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार भी कर रही है, और सूत्रों का भी कहना है कि इसमें कई नामचीन लोग भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जी जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।